रिश्वत के आरोपी हेड कांस्टेबल का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसीबी की टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल के संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आया। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान भनक लगते ही आरोपी हेड कांस्टेबल हरेंद्र मौके से फरार हो गया, भूमिगत हो गया। वहीं इस मामले में रिश्वत लेते गिरफ्तार प्रेम शंकर को जेल भेज दिया गया है। कोटा एएसपी ने दो दिन पहले कार्रवाई करते हुए बूंदी जिले में हेड कांस्टेबल हरेंद्र के दलाल को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। हालांकि हेड कांस्टेबल हरेंद्र मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों ने परिवादी से धारा 3 एएसटी एक्ट में दर्ज मामले को रफा दफा करने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत ली थी। परिवादी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण रिश्वत की रकम कोटा के एक साहूकार से 3 रुपए सैकड़ा मासिक ब्याज पर लेकर आया था।